हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो आज की वीडियो का टॉपिक देख के आप लोगों को पता तो लग गया होगा कि टुडे आई एम गोना आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच इज़ बीन गिवन टू मी बाय माय इंस्टा फॉलोवर्स और जो जो इंस्टा पर फॉलो करते हैं वो लोग इधर आई गए होंगे क्योंकि हो मैंने अपने इंस्टा पर लिंक दे दी है <laughs> तो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल को मुझे बातें करने दो पहले तो बातों में मुझे आपसे ये करनी है कि आप सबके वोट खत्म हो गए कैसे गए बताना अगर मन करे तो बताना वरना कोई बात नहीं और इतने टाइम बाद वीडियो आ रही है देखो मुझे मन तो बहुत था कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ पर मजबूरी <laughs> क्योंकि मेरे भी बोझ थे जिसको पता है कि मैं अभी ट्वेल्थ में हूँ ट्वेल्थ में थी एक्चुअली मैंने तो बहुत बोझ दे दिए तो मैं ट्वेल्थ में थी तो मेरे भी बोझ कुछ ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि चलो इंस्टा पे क्यू एन ए डालते हैं कि और जो दो महीने से वी वर नॉट पोस्टिंग और अपलोडिंग एनीथिंग ऑन और यूट्यूब की चलो चालू करते हैं अपना YouTube भी क्योंकि YouTube पे तो भाई आना जरूरी है सो विदाउट लाइसिंग फॉर द टाइम लेट्स बिगेन विद द वीडियो और लेट्स कम की पहला क्वेश्चन क्या आया था देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है तो पहला क्वेश्चन आया है कि हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड तो द पर्सन हु आस्क से क्वेश्चन इज़ नोइंग द आंसर दैट शी इज़ ओनली माई बेस्ट फ्रेंड देन टू पता नहीं क्यों इतना मन है इनका पूछने का कि हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड तो मैं बता दूँ यू आर ओनली माई बेस्ट फ्रेंड और दूसरा क्वेश्चन इज योर बेस्ट फ्रेंड क्यूट नो शी इज़ नॉट क्यूट टू बी ऑनेस्ट शी इज ब्यूटिफुल एंड ऑसम एंड आउटस्टैंडिंग शी इज ऑसम ऑसम लाइक भाई गजब हो तुम और तीसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आया है कि मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट और चलो फोर्थ क्वेश्चन आया है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ये क्वेश्चन टूथपेस्ट जो नमक हो भी सकता है माइट भी पॉसिबल और इसका आंसर मेरे पास नहीं है भाई मेरे टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं अब तो जाकर इंग्रेडिएंट्स चेक करने पड़ेंगे है कि नहीं <laughs> चेक करके बताएंगे तुमको कभी <laughs> और फिर और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ए क्या बोलती तू ये मेरी फ्रेंड का क्वेश्चन है तो ये हम लोग का एक कोड वर्ड है तो हम लोग ऐसे ही गाने वाने गाते रहते हैं तो उसमें उसने पूछा ए क्या बोलती तू तो अब मैं उसके आगे लिरिक्स क्या कहते हैं उसके आगे लिरिक्स मैं कंटिन्यू करती हूँ ए क्या मैं बोल लूँ <laughs> आगे यू ओनली कंटिन्यू द पर्सन हु हैज़ गिवन मी दिस क्वेश्चन ठीक है और आप अपनी कोमल त्वचा के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं लाइक सीरियसली मैं बताऊँ क्या <laughs> चलो बता देती हूँ तो पर्सन हु हूँ मी कि आप अपने कोमल त्वचा तो अच्छा के लिए क्या करती हैं द आंसर फॉर दिस इज़ आई एम यूजिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम लाइक अ मंथ नाउ एंड दिस प्रोडक्ट नेम इज सेडाफिल फेस वॉश आप जाके अपने फ्लिपकार्ट ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा तो मतलब ये बॉडी और आपके फेस दोनों के लिए यूज़ हो सकता है बट आई यूज़ इट फॉर फेस ओनली और आपका ये जो तो है सैटाफिल फ़ेस वॉश ये काफ़ी अच्छा है मैंने भी मतलब ट्राई किया एक मंथ के फेस से डिफरेंस और इस बार के फेस के डिफरेंस ये है कि द तो पिंपल्स आर ऑटोमेटिकली गॉन मतलब अब जैसे गर्मियों का मौसम है और द मेन रीज़न इज़ सैटाफिल आपके सारे स्किन टाइप्स के लिए है और शायद उनका एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी है आपके हर स्किन टाइप के लिए वैदा ऑयली स्किन तो उनके लिए ऑयली फ़ेस वॉश है मतलब सब कुछ मुझे इतनी ब्रांडिंग नहीं करनी है उनकी मार्केटिंग नहीं करनी है मुझे इतनी तो मैं आपको बस बता रही हूँ कि आई यूज़ सेट सेटाफुल फेस वॉश और मैं इसको बस अभी एक महीने से ही यूज़ कर रही हूँ और दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है हाँ वॉट इज़ योर फेवरेट वेब सीरीज़ या टी वी शो लाइक टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वॉच वेब सीरीज़ मैं वेब सीरीज़ देखती ही नहीं हूँ भाई बस के ड्रामा के ड्रामा चल जाता है कभी बार वेब सीरीज़ नहीं होता और वट इज़ योर फेवरेट मूवी लाइक फेवरेट मूवी तो देखो यार जो देख लो सब बढ़िया है पर सीरियसली सही मैंने अभी कम से कम थ्री टू फोर डेज़ पहले मतलब तीन से चार दिन पहले आई वॉचड ये जवानी हैदिवानी है ना इट वॉज ऑसम लाइक सीरियसली द पीपल हु आर सेंग ये जवानी है दीवानी इज़ द बेस्ट आई अग्री लिटरली ये जवानी है दीवानी इज़ द बेस्ट और उससे पहले ये जवानी है दीवानी से पहले आई वॉचड uh, क्या था वो हाँ जब भी मेट वाला गीत और आदित्य वाला ना राइट अगर वही नाम है तो वो वाली भी बहुत अच्छी है तो मुझे ये दोनों मूवीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि भूल भुलैया टू देख ली क्या नहीं देखी है मतलब सब ने देख ली मेरी सारी फ्रेंड्स ने देख ली मेरी बहन ने देख ली है सब ने देख लिया मैंने नहीं देखी है और मुझे लगता है कि मुझे भूल भुलैया टू तो देखनी भी नहीं है क्योंकि द मेन रीज़न मैंने भूल भुलैया वन देखी थी मोहनजलिका वाली दैट वॉज सो केरी मतलब लोग कहते हैं इट्स हॉरर कॉमेडी मज़ा आएगी बट टू बी ऑनेस्ट हॉरर मूवीज़ आर नॉट माई टी आई कॉन्ट वॉच हॉरर चाहे वो जितना मर्जी कॉमेडी हो आए नॉट टॉलरेट दिस हॉरर इन द मूवीज लाइक सीरियसली आई कांट वॉच हॉरर मूवीज बट फिर भी अगर आप लोग कहते हो तो देखते हैं अगर मन किया तो वरना नहीं और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वह है डू यू रीड नॉवल्स इफ़ यस वॉट द रिसेंट यू आर रीडिंग और हैव रेड तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन और इसका आंसर ये है कि येस आई डू रीड नावल्स बट नावल्स अधिकतर आपकी लव स्टोरीज वाली ही होती है लाइक पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस फॉर रीडिंग द नाल्स तो मैं रिसेंट जो नावल पढ़ रही हूँ वो है इट एंड्स विद अस जो न्यूयॉर्क के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स की एक नावल है इट्स रियली इंटरेस्टिंग मतलब अभी मैंने कम से कम टू हंड्रेड से थ्री हंड्रेड पेजेस ख़त्म कर लिए हैं और मतलब बस एंड पे आ ही रही है ये स्टोरी देखते हैं एंड में स्टोरी का क्या होता है ठीक है और लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि चूज़ वन मैसेजेस और कॉल्स लाइक टू बी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स लाइक इफ तुम्हारा मेरा मन किया कि मुझे कॉल करना है किसी इंसान को तो आई एल कॉल अगर मेरा मन किया कि मुझे मैसेज में ही बात करनी है तो आई एल मैसेज मतलब ये नहीं है कि आई एम सो मच कि भाई मुझे बस बातें करा लो टेक्सट नहीं होगा कॉल करा लो कॉल नहीं होता है भाई मुझसे सच बताऊँ मुझसे कॉल नहीं होता है <laughs> मतलब बहुत रेयर होता है भाई मैं अपने रिश्तेदारों को कॉल नहीं करती इतना <laughs> तो मैं दोस्तों को क्या ही करूँ और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आर योर माउंटेन और अ बीच पर्सन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है इट्स बीन आस्ड फ्रॉम सो मैनी टाइम्स टू एवरी वन की भाई मेरे इट डिपेंड्स ना पर्सन टू परसन इट डिपेंड्स सी टू बी ऑनेस्ट माउंटेन एंड बीच बहुत था ब्यूटिफुल जब आपका बीच में जाने का मन करी वो टू द बीच आप इंजॉय करते हो वहाँ पे वेव्स का भी अलग मज़ा है भाई और माउंटेन्स का अलग मज़ा है पर अगर आई विल चूज़ पर अगर इफ़ आई हैव द चांस टू चूज़ बिटवीन द माउंटेंस द बीच आई डेफिनेटली चूज माउंटेंस बिकॉज द रीजन माउंटेंस से आपको एक बहुत अच्छा और ग्रीनरी सा एकदम भरा भरा व्यू दिखता है और बीचेज़ में भी आपका अलग मज़ा है जब आपका बीच में जाने का मन करे तो बीच में जाओ माउंटेंस में जाने का मन करे तो माउंटेंस में जाओ बट आई प्रीफर माउंटेन शायद से मतलब वैसे तो फिफ्टी फिफ्टी है पर फिर भी अगर लॉजिकली सोचे तो मुझे माउंटेन्स में ज़्यादा पसंद है जाना तो इसी के साथ अपने क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं आई होप आपको मज़ा आया हो अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट पर लीव कर देना टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ एवरी वन एंड लास्ट थैंक यू टू एवरी वन हैव सेंड मी द क्वेश्चन द क्वेश्चन फॉर रियली इंटरेस्टिंग एंड नाइज एंड फनी ऑफ कोर्स सो थैंक यू सो मच आई लव यू ऑल चिल देन, सब्सक्राइब कर देना कमेंट कर देना शेयर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय